हेलो 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 नमस्ते। मेरी चैनल पर आप सबका स्वागत है एंड स्पेशल टू माय सेल्फ सचिन परमार। एंड टुडे आई एम व्लॉगिंग राइट नाउ बिकॉज आई जस्ट लव फिल्मिंग ब्लॉग। तो अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल पर आया हूँ, तो मैंने सोचा मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ, बाद में मुझे वर्क के टाइम में ब्लॉग शूट करना भूल ही जाता हूँ। बट अभी मैंने सोचा कि मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। और सेकंड थिंग, अभी 2 या 3 इतने बड़े सरप्राइज आने वाले हैं ना मेरे चैनल पर कि आप, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको अपकमिंग मेरे वीडियो में पता चल जाएगा। और सेकंड चीज, मुझे एक इधर न्यू रेस्टोरेंट खुला है, तो उसके ओपनिंग पर और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ ना, तो मुझे ऐसा कहा गया था कि आप हमारे पर आओ और एक व्लॉग शूट करो और एक रील्स बनाओ ताकि थोड़ी एडवर्टाइजिंग हो सके। तो मैं उस जगह पर गया था, तो उस जगह पर मैंने थोड़ा सा मिनी व्लॉग बनाया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट आप सब लोग वो व्लॉग देख लो। तो जो मैं हॉस्पिटल पर बिहाइंड सीन शूट करने वाला था, जो आज कैमरे में रिकॉर्डिंग होने थी, बट वो कुछ रीज़न की वजह से नहीं कर पाया। बट अभी जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ ना, जहाँ पर मुझे इनवाइट किया है, उस जगह पर तो जाकर मैं डेफिनेटली वीडियो फिल्मिंग करूँगा, बिकॉज मुझे उधर वही करने जाना है। तो वो कौन सी जगह है वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अल्सो काफ़ी लोग मुझे मेरे प्रीवियस व्लॉग देखकर कह रहे थे कि आपने जो डाइटिंग स्टार्ट की थी वो आपने किससे डाइटिंग ली थी या क्या कुछ, तो उसकी भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। डाइटिशियन गोपिका वाघेला करके थी, तो आप दी से कर सकते हो कॉन्टेक्ट। तो मैंने उसकी इंस्टाग्राम की आईडी और नेम और किस जगह पर अवेलेबल है वो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो ऑल्सो आप चेक भी नहीं करते हो तो कभी डिस्क्रिप्शन भी चेक कर दिया करो। तो अभी 7:20 के आसपास बज रहे और जस्ट अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, बिकॉज 8 बजे के आसपास मुझे बुलाया गया था। बट मैं 7:13 के आसपास घर से निकलूँगा ना, तभी मैं टाइम टू टाइम पहुँच पाऊँगा। और कभी भी आपको कोई भी इवेंट में कोई बुलाता है, सब कुछ ऐसा होता है ना, तो आपको टाइम टू टाइम तो होना ही होकर ही जाना पड़ता है, बिकॉज आप टाइम टू टाइम जाओगे ना तो आपकी एक इम्प्रेशन अलग पड़ेगी सब लोगों के बीच में। तो मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ। मुझे फाइनली आई एम लाइव राइट नाउ जिस जगह पर मैं शूट करना था, तो मैं आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ। वेट, आई होप कि आप सबने वो वाला ब्लॉग देखा होगा। मैंने छोटा सा मिनी ब्लॉग ही बनाया था, जो आपको वो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। तो अभी फटाफट नीचे चलते हैं, बिकॉज मुझे थोड़े से वर्क पेंडिंग है इन दिस डेज के, वो सारे कुछ मैं फिल कर लेता हूँ। और सेकंड चीज, मुझे कॉलेज के 2 या 3 असाइनमेंट भी मिले, वो भी मुझे कंप्लीट करना है, तो हो सकेगा ना तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो चलो चलते हैं नीचे। हाय केतु सबको। तो मेरे ब्रदर मेरे साथ ही होता है, वो ही सारा कुछ शूट करता है मेरा। कैसे हो आप? अच्छे लिप के बारे में देख रहा था। सबको आई के दो, आई के दो सबको। लिप बंद हो गई है इसलिए लिप क्लोज हो गई थी, तो देखने के लिए आए, तो अभी स्टार्ट हो गई। तो चलो नीचे से स्टार्टिंग हुई, अभी वो खाना गया है। ओके ओके, तो हम पैदल चले या लिप में जाए? लिप में जाएंगे। ओके ओके, आप भी हमारे साथ आओगे ना? ओके ओके, लिप खोल रहा हूँ। दूसरी मंजिल पे लॉक करना आएगी? हाँ नहीं, दूसरी मंजिल पर भी लॉक करने को कहा था, ताकि कोई पेशेंट ऊपर नहीं चढ़ सके। तीसरे मंजिल आपका लड़का भी कॉलेज करता है ना?
तो फ्रीमैन जेल तो तब खुले रखना पड़ेगा, पेशेंट को लाना होगा तो तब। ओके ओके, वो बात सही है आपकी। तो फाइनली मैंने और ब्रदर ने, हम दोनों ने बढ़िया वाले यूट्यूब के शॉर्ट लिए। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं मेरे केबिन में, बिकॉज आज का तो ऑलमोस्ट जो भी मुझे शूट करना था ना वो सारा कंप्लीट हो गया, मेरे पर्सनल शूट। आइए देखा सबको। तो इतने ज्यादा वर्क नहीं, दो या तीन फाइल रेडी करनी है और ऑल सोशल मीडिया चेक करना है कि क्या क्या कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके रिगार्डिंग। बट मे बी वो 5:13 के आसपास तो हो ही जाने वाला है, तो तब तक देखते क्या होता है। बाद में तो फ्री है। और दर्शन सर ने कल मुझको कहा था कि उसके ओपीडी के लिए अच्छा सा चिल्ड्रन वाइब आ सके जैसे वॉलपेपर चाहिए, तो मैंने पिंटरेस्ट पर देखकर दर्शन सर को व्हाट्सएप पर सेंड किया था, तो काफी अच्छे लगे थे। आई डोंट नो कौन सा सिलेक्ट करें, देखते हैं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर में मैं कौन कौन से वीडियो आप सबको दूंगा, बिकॉज इस साल जो मेरा बेकार गया है ना, इतना मेरी लाइफ में एक भी साल नहीं गया होगा। जो भी मैंने प्लान किए थे ना, एक भी प्लान यार नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो। बट अभी जो मेरी लाइफ टर्न आउट हुई है ना, उसके मुताबिक तो अभी काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है एंड ऑफ दिस ईयर। बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो 2023 में कुछ अच्छा सा हो जाए, और मैं प्लान कर रहा हूँ 31st को क्लब जाने के लिए, बट आई डोंट नो सक्सेस हो पाएगा या नहीं, बट देखते। मैं कर रहा था अपना वर्क, ये देखो, हाय कर दो फिर से। हाय। वो इधर लाइट स्टार्ट ऑन ऑफ कर रहा था, वो कहता है तेरा वीडियो अच्छा है ना, इसलिए इस सो क्यूट राइट नाउ। किधर गए? इस सो क्यूट 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 क्यूट। तो मैं फटाफट अपने वर्क कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको डायरेक्ट मिलता हूँ। मैं अभी अपने फैमिली मेंबर के लिए वीडियो एडिट कर रहा था। आप इसको जानते हो, डू कमेंट बिलो के कौन है। हेलो जी। तो हॉस्पिटल के आने के बाद डिनर में मम्मी ने इतने अमेजिंग कढ़ी चावल बनाए थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और कढ़ी चावल मेरा ऑल टाइम कंफर्टेबल फूड है, मुझे कढ़ी चावल मिल जाए ना तो और कुछ चाहिए ही नहीं। अब मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, तो मैंने आई डोंट नो मैंने कितने टाइम अगो कितने टाइम से मैंने कुछ भी जंक फूड ईट नहीं किया। जस्ट मैं कल शाम को गया था वीडियो फिल्मिंग करने के लिए, शाम को ही गया था एक रेस्टोरेंट पर, तो उस रेस्टोरेंट के साथ मैंने पार्टनरशिप की थी मेरे वीडियो के लिए। तो मैं कल भी मैंने इतना कुछ ज़्यादा नहीं खाया था। आप सब लोगों ने वीडियो में जो देखा है ना, वो तो जस्ट वीडियो के लिए ही था, सब कुछ अनलिमिटेड था। बट यार मैं 1.5 मंथ से डाइटिंग कर रहा हूँ, तो कोई एक दिन के लिए मैं डाइटिंग तो तोड़ने नहीं वाला हूँ, सो डेट रीज़न। तो अभी तो मैंने डिनर कर लिया, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे हेयर अभी काफ़ी ड्राई हो गए, तो मम्मी के हाथ की एक बढ़िया वाली चंपी कर लेता हूँ, तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और हेयर ऑयल भी हो जाएगा। तो लेट्स गो। अभी मैं आपको मेरा बेड दिखाता हूँ कि कितना ज्यादा गंदा हो गया। इफ यू आर सी दिस, मैं कितनी बार ट्राई करता हूँ कि अपना रूम क्लीन रखूँ, बिकॉज मम्मी इतना ज्यादा डांटती है ना कि अपना रूम तो क्लीन रख लिया कर यार। बट हॉस्पिटल के आने के बाद कपड़े इधर इधर, बैग अपना इधर इधर, वॉच सब कुछ। अभी जस्ट मैंने एयरपोर्ट यूज़ करना स्टार्ट किया, वरना तो घर पर ऐसे ही पड़े रहते थे, बट अभी मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी प्लान कर रहा हूँ 31st को एक मिनी शॉर्ट ट्रिप पर मैं पक्का नहीं कह सकता, बिकॉज अभी कन्फर्म नहीं है कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा,
बट मैं जाऊंगा ना तो पक्का मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। अभी तो मैं प्लान कर रहा हूँ, चलो ना वो बात छोड़ते, बिकॉज वो पक्का नहीं है तो बताने का भी क्या फायदा। तो मैं फटाफट चंपी करा लेता हूँ, बिकॉज मम्मी अभी फ्री हो गए, तो बिकॉज मम्मी ने डिनर कर लिए और कुछ साफ सफाई करनी थी वो सब कुछ कर लिए, तो अभी फ्री हुए तो मैं मम्मी से कर लेता हूँ, वरना तो वो सीरियल देखने बैठेंगे ना तो टाइम ही नहीं मिलेगा। मैं क्या बताऊँ यार, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे मम्मी 7:13 से नाइट के 10 बजे तक लाइन टू लाइन सीरियल देखते, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या बताऊं, तो चलो फटाफट मैं फर्स्ट चंपी कर लेता हूं, उसके बाद आपसे मिलता हूं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तभी आप देख सकते हो मेरे साथ कौन है, माहिर। तो माहिर को 2 दिन से इतना तगड़ा वाला बुखार, और बबू आए के थे पहले, सबको आए के थे, आई के दे हाय। तो माहिर को 2 या 3 दिन से इतना ज्यादा बुखार है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बट वो उसको एक जगह पर बिकना पसंद ही नहीं है उसको, आप मैं आपको क्या ही बताऊं। 2-3 दिन से माहिर को इतना ज्यादा बुखार आ रहा है ना, तो अभी माहिर मेरे साथ खेलने आया, तो मैं माहिर के साथ इतना खेलूंगा। यस, गुड मॉर्निंग गोल ऑफ यू। तो अभी मैंने बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट मैंने क्या किया ना वो मैं आपको बताता हूँ, वेट। तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि मैंने बीटरूट का जूस पिया है ब्रेकफास्ट में। तो अभी मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट करते करते हुए बता रही थी कि उसको सोफा को क्लीन करना है, तो क्लीनिंग में मेरी हेल्प चाहिए, मीन्स वो सोफा को इधर से उधर रखने के लिए। तो मैंने कहा ओके, आपने कहा है तो हेल्प तो करनी पड़ेगी, तो चलो वो करते हैं फर्स्ट। सी दिस, मेरी सिस्टर इधर स्टडी करती है डेली, तो उसने चॉकलेट के सारे जो भी होते हैं ना वो इधर डाल दिए, देखो। डीप क्लीनिंग कर रही हैं। मुझे अभी याद है कि हॉस्पिटल पर माहिर को लेकर आए थे ना, माहिर की तबीयत वीक थी, तो मेरे आंटी साथ आए थे, तो एक सिस्टर है जो मेरे व्लॉग देखती है, तो वो मेरे आंटी को कहते हैं कि आप सचिन की मम्मी हो। मैंने कहा व्लॉग में यार आप सब देखते हो तो क्या देखते हो। तो कल शाम को मैं कराने वाला था चंपी, बट अभी मैं चंपी करा रहा हूँ मम्मी के हाथ की। आई एम यूज दिस आलमंड ड्रॉप्स बजाज वाला हेयर ऑयल, उसके साथ में विटामिन ई की कैप्सूल डालता हूँ।